सभी को नमस्कार। अभी मुझे मिला है एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड पार्सल जो कि सेलर से द्वारा मंगाया नहीं है। ये इंडिया पोस्ट की तरफ से मुझे मिला है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला पार्सल है। देख लेते हैं कैसा पार्सल है ये, क्या इसमें मिलता है हमको, कर लेते हैं। और ये कुछ आज कुछ चेंज देखने को मिल रहे होंगे आप इस रूम के, काफ़ी अच्छे से आज सफाई हुई है, बिल्कुल क्लीन हो गया है रूम आज, बड़ा अच्छा लगा। तो करते हैं इस पार्सल को अनबॉक्स, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इस पार्सल पे हालांकि सेंडर का पूरा बताया हुआ है, ये अगेन जोसफ भाई की तरफ से मुझे मिला है और इंडिया पोस्ट का यूज़ हुआ है। सेकंड आई थिंक थर्ड पार्सल है उनका, उनके दो पार्सल एक साथ आए थे। एक में कुछ सेल्फ प्रिंटेड कवर्स थे जो हमें कुछ संग्राहक संस्करण जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमको मिले थे, उनमें हमको प्रिंटेड नहीं मिल रहे थे, वो उन्होंने मुझे भेजे थे, उसका मुझे आइडिया था। और उसके अलावा एक ऐसा ही बिल्कुल इसी थिकनेस का एक पार्सल था, इसमें क्षतिपूर्ति का क्या बोल सकते हैं, जैकेट कवर वाला जो पार्ट होता है वो मुझे मिला था, जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जैकेट कवर के लिए ये है कहाँ से, पूरा पैक समझ ही नहीं आ रहा क्या, कहीं से कट लगा लेते हैं एक जगह से। और जैकेट कवर के शायद वही आए थे, मतलब जो उन्होंने मुझे भिजवाए थे, बालचरित के दो कॉमिक्स, कल ही उन्होंने बताया था कि बालचरित के दो कॉमिक्स आए थे और सर्वनायक के दो कॉमिक्स आए थे और क्षतिपूर्ति के, तो क्योंकि सर क्षतिपूर्ति में दो ही सी आए थे तब तक, तो वो एक कम्प्लीट माना जा सकता है। बालचरित के तो थे मेरे पास में, एक था एक नहीं था, एक तो इसमें क्या है, क्या उन्होंने भिजवाया है। हालांकि मैंने अभी तक उनको कुछ भी नहीं भिजवाया, मतलब एक भी पार्सल मैं उनको अभी तक नहीं भिजवा पाया। मैंने सोचा तो है पर सोच रहा हूँ कि क्या भिजवाऊँ उनको। देखते हैं, ओह कम्प्लीटली पैक्ड है, इसको हटाते हैं, टेप को हटा दिया जाएगा, सैनिटाइज कर लेते हैं हाथों को जो कि हमेशा किया जाता है। तो तीनों कैलेंडर मनोज गुप्ता जी के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अच्छे लग रहे हैं, मतलब कटर का देखता हूँ कोई भी कोई यूज़ पॉसिबल है। कट गया है, चलिए कटर को बंद करते हैं, लगने की संभावना आती है, आवश्यकता होगी तो करेंगे इसको। ये एक पॉली बैग है, इस पर काफ़ी अच्छे से किया हुआ था और कहीं की पैकेजिंग जो है सेलर से भी बेटर है। इसमें भी कोई कॉमिक्स है और वो भी शायद, चलिए देखते हैं। तो इस पर बहुत सारी लेयरिंग्स हैं और टेप है, मोटा गत्ता है, हर तरीके की पैकेजिंग इसमें देखने को मिल रही है। इसमें ऊपर जैसे डिलीवरी कुरियर सर्विस वगैरह में आता है वैसा पॉली बैग भी था। और ये एक ऐसा ना, पहले शुरुआत में टीवी वगैरह में देखने को मिलता था, फिर हेलो बुक माइन ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। ये कौन से कॉमिक्स हैं, दोनों तरफ से एक जैसा कैसे दिख रहा है, ये हार्ड बाउंड है, जो भी हार्ड बाउंड है। ओह ये सर्वनायक सीरीज के शायद वो हैं, क्या बोलते हैं, शायद ये सर्वनायक सीरीज का वो कॉमिक्स हैं जिसपे जैकेट कवर आए थे। कमाल है, तो ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं, कैसे आए कहाँ से, ये भिजवा कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको मिल जाता है सर्व क्रांति, तो सर्व क्रांति वो कॉमिक्स है और इनकी पॉली बैग वगैरह बिल्कुल फ्रेश है। अभी जैसा कि इस वक्त आज के ज़माने में सेलर से जब हम परचेज़ करते हैं कोई प्रोडक्ट, तो पैसे देने के बाद भी ना ये सब चीज़ों में बड़ी निराशा जहाँ लगती है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी है, नॉवल्टीज़ वगैरह हैं। सर्व क्रांति, सर्व मंथन और सर्व संधि, ये सर्वनायक के तीन संग्राहक संस्करण हैं और ये जो है वो इन पे 120 रुपये लिखा हुआ है। तो खैर मैंने तो सर्वनायक का कभी भी कोई भी संग्राहक संस्करण लिया ही नहीं था पहले, मैंने बालचरित का जरूर लिखा और मैं उसके एग्जांपल भी देके आपको बताता हूँ। तो अगर ये 120 रुपये का है तो ये हंटर्स के बाद आया होगा और वो टाइम ऐसा था जब जैकेट कवर वगैरह आया करते थे। ये तीनों ही जैकेट कवर वाले हैं क्या, तो शायद मैं मेरा अनुमान गलत था, तीन है जैकेट कवर वाले। एक तो वो ऐसी बात चलती रही थी पर मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे भिजवाने भी वाले हैं, शायद ज़्यादा मुझे लगा था वो शायद उन्होंने जय भाई को भिजवाए थे ऐसा कुछ था शायद। सर्व संधि, तो इन सभी के संग्राहक संस्करण है मेरे पास में जो मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट कराए, 300
₹25 का शायद रिप्रिंट किया है, एक 325 का रिप्रिंट करा है, और उसमें ये कवर है शायद, ये वाला कवर उसमें, और लेकिन जैकेट कवर नहीं है उसमें। पुराने टाइम पे बुक मार्क भी मिल जाते थे, और किसी ने कमेंट में बताया था कि इस समय पे आरसी ने कई बार नुकसान खा करके भी बेचा है, हो सकता है, क्योंकि देखिए बुक मार्क वगैरह की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सिलेक्शन ऑफ आर्ट है, फिर आपको ये ऐसे अस्तर वगैरह मिल जाता है, और फिर इस तरीके का 4 फोल्ड का जैकेट कवर, मतलब नॉट डबल, ये 4 में है देखिए आप, तो यहाँ पे डोगा है, योद्धा है, और यहाँ पर ये भेड़िया और ये कायगुला वगैरह जो पहले आते, तो बहुत बड़ा एक और है ना, इसके मैंने आपको बता भी दिया, वापस रिपीट तो करने में कोई फ़ायदा वाली बात है नहीं, पर मतलब ये है कि देखो ये 120 के आए थे, और अब इसी तरीके के संग्रह संस्करण 250-300 के आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं, आए हैं 2021 में, पर वो बहुत सारी नॉवल्टीज़ के साथ में वो देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद में एमएलए स्टिकर हो गए, स्केच कार्ड हो गए, एक्शन स्टिकर, वो सब चीज़ें मिलती हैं, तो विदाउट नॉवल्टीज़ और कंटेम्प्रेरी जो रिप्रिंट्स थे मनोज गुप्ता जी के, उस लिहाज से उन्होंने काफ़ी महंगे निकाले थे वो, उसको अगर हम कंसिडर करें तो उनको ये जैकेट और यदि देते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता मुझे, अगर नहीं मिले थे तो। एक दूसरा और है सर्व मंथन पंचा, सॉरी पंचम सप्तम, और ये कौन सा है, ठीक है 5, 6 एंड 7, अगर हम युगांधर को 0 माने तो फिर ये 1, 2, 3, 4 चल रहा है, तो उसमें सर्वरण 12 नंबर पे आती है, सर्वग्रहण 13 नंबर पे आती है, जो बाकी जो है सर्व आयुध है वो 14 नंबर पे आती है, और सर्व स्वर्ण 15 नंबर पे आती है, तो 15 कॉमिक्स आ चुकी है, उस हिसाब से 5, 6 और 7th ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने पैक करी जाए, पॉली बैग वगैरह बहुत अच्छे हैं, और ये है तिरंगा, और ये लेमिनेटेड है, इससे पहले वाला जो था ये अनलेमिनेटेड था, बहुत अच्छा है, लेकिन ये ग्लोस वाला लेमिनेटेड है, बहुत अच्छा भाई, गजब, मतलब ओहो। सर्व मंथन का ये कवर हमने देख रखा है पेपर वेक में भी और संग्राहक संस्करण में भी, और ये भी लेमिनेटेड है, इवन अभी जो 325 रुपये के हिसाब से है ये भी, ओहो ओ माई गॉड, ये 110 रुपये का है, यानी कि ये तब आया होगा जब बालचरित का संग्राहक संस्करण आता था, हंटर्स का, हंटर्स और फ्लैशबैक के संग्राहक संस्करण 110 रुपये के थे, और वो कॉमिक्स अपने आप में 90 रुपये का था, अंदर भी इसका ग्लोस ज़बरदस्त है, इसका दिखा देता हूँ आपको, ऐसा लग रहा है कि कॉमिक्स अभी देखी नहीं मैंने, ऐसा क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा, लेकिन सबका रिव्यू मैं कर ही चुका हूँ, ये देखो अंदर, हालांकि मुझे पता है कि बाहर का ये आर्ट चेंज है, ये कवर नहीं था हमारे पास में पहले, पर ये ना पूरी तरीके से एक अलग ही एक्सपीरियंस है, 110 रुपये का 2015 कवर्स का डबल कवर्स वगैरह, और वेल ये भी स्मूथ ग्लोस में, ये भी स्मूथ ग्लोस में भाई, ज़ोरदार, मतलब ये है बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, मतलब क्या बोलूँ, फुल लेमिनेटेड है अच्छे से, गजब, और इसके अंदर के आर्ट भी ऐसा लग रहा है कि मतलब वो हालांकि मैंने देखे होंगे पर ये अनदेखे लग रहे हैं, देखिए ये सीन है, काफ़ी बड़ा सीन है, और जो है ये सीन आप देख लीजिए जहाँ पर इसका बुकमार्क है, और आई थिंक बुकमार्क भी चेंज है, मतलब जो अब जो आए हैं उनके बुकमार्क शायद अलग होंगे, बीच के सीन देख लीजिए आप, तो ना ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी कॉमिक्स ही एक नई है, कॉमिक्स एक नया ही है पूरा, सब कुछ नया बनाया हुआ है, बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी बात है, जो सब भाई का ना धन्यवाद करना संभव नहीं हो पाएगा, पर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा एहसान कर दिया, मतलब क्या क्या भिजवा दी मुझे याद भी नहीं आ रहा, दो दो क्षतिपूर्ति वाले भिजवा दी उन्होंने, 3 सर्वनायक हैं, 5 उन्होंने ऐसे भिजवा दी, और एक की कीमत मैं क्या बताऊँ, मतलब कैसे भी मान सकते हो 1500 जो आपको मान लो, ठीक है, क्योंकि खुद पब्लिशर 325 रुपये का दे रहे हैं जिसमें विदाउट एनी दिस एक्स्ट्रा थिंग्स, तो क्या बताएं, और इसका कवर अपने आप में गजब, वाह वाह, संजय गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, नितिन मिश्रा जी और सुशांत पंडा जी, संजय जी काफ़ी यंग लग रहे हैं, काफ़ी यंग लग रहे हैं, और ये भी हेमंत कुमार जी ने क्या बनाया, जानलेवा कवर बनाया, देख लीजिए आप, अब जो आते हैं ना कवर जो जो संग्राहक संस्करण 700 रुपये का निकालते हैं खुद, इस पेज का जो संग्राहक संस्करण निकालते हैं वो 700-700 रुपीज़ का निकालते हैं संजय गुप्ता जी, और उस पर भी कोई ज़रूरी नहीं क्या हो, जैसे आदि पर्व वगैरह पे नहीं होता है कुछ, ये मतलब आप इसको ऑफिशियली 700 का भी तब मानो जब ये रिप्रिंट में निकला और अवेलेबल हो वो सर, अभी जबकि अवेलेबल नहीं है, मतलब मानना पड़ेगा भाई, बहुत ज़ोरदार, बहुत ही अच्छा कवर है इसका, बहुत बढ़िया, और तीसरा है सर्वक्रांति,
सर्व क्रांति का संग संस्करण। सर्वनायक सारी ऐसी आती ना तो एक अलग ही चीज़ होती है, वो जमाने में रुक गई ना, गड़बड़ हो गई। रुकने के बाद इसके प्राइस वगैरह तो ठीक है, पर अब ये बात नहीं मिल पाएगी, कभी भी नहीं मिल पाएगी। ये एकदम अनमोल हो गए, मतलब मेरे पास लगभग सारे हो गए, और बालचरित के भी थे, वो तो मेरी खुद ही मिस्टेक है, मतलब खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। मेरे पास था वो संग्रह संस्करण, पढ़ता हुआ ना, मेरे को ये आइडिया नहीं था कि राजकुम इसको पढ़ता भी होगा, कोई इसको परचेज भी करता होगा। जब किसी ने मेरा परचेज किया था ना 2020 में, तो मैंने कहा है मेरे अलावा भी लोग जानते हैं कि राजू क्या होती है। खैर क्या गजब का बुक मार का इसमें, यह है इसका सप्तम पार्ट। ये सर्व क्रांति जो है ना, इसके पेपरबैक्स बहुत अवेलेबल थे, मतलब जब राज कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी उस समय भी काफ़ी अवेलेबल थे। इसकी बाइंडिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की बाइंडिंग है, बहुत बढ़िया, एकदम स्मूथ ग्लोसी है, बहुत बढ़िया बुकमार्क है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात जो है आपके, इसलिए ना सर्वनायक का थोड़ा अभी यही चल रहा है, इसका थोड़ा वो है कि बीच में रुक गई थी, अब तीन पार्ट संजय जी ने भी निकाल दिए, तीन पार्ट मनोज जी ने भी निकाल दिए, तो इसलिए मैंने ना अपने सर्वनायक का सब कुछ ही कंप्लीट कर लिया। आपने मेरे अभी रिसेंट ऑर्डर्स देखे होंगे, चाहे मैं जीके कार्ड की तरफ से मंगाऊँ, चाहे कॉमिक सवेली की तरफ से मंगाऊँ, या कहीं से मैंने मंगवाए हूँ, मैं लगभग यही प्रयास कर रहा हूँ कि मैं सारा सर्वनायक का लगभग पूरा कर लूँ। सर्व आयुध का मेरे पास संग्रह संस्करण नहीं था, तो सर्व आयुध का कॉम्बो भी मैंने जीके कार्ड से आज ही ऑर्डर कर दिया है, तो लगभग मतलब मेरे पास में पूरा रेगुलर साइज में कंप्लीट कलेक्शन हो जाएगा पूरा। मैंने मनोज गुप्ता जी ऑर्डर कर दिया है, संजय गुप्ता जी अलग से पढ़े हैं, पर वो ठीक है। बहुत ज़बरदस्त कवर है इसका, बहुत ही शानदार कवर है, देखिए आप, फोर फोल्ड में कवर है, ऐसे कवर तीन है शायद सर्वनायक के, फिर दो क्षतिपूर्ति आपने देख लिए और दो बालचरित के थे जिनमें से एक था मेरे पास, तो मतलब मेरे पास सर्वनायक और क्षतिपूर्ति सारे हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। और इसमें मैंने मैं सर्वनायक विस्तार में मैंने बताया था आपको, देखिए जैसे मैंने ये मंगवा लिया था, मेरे पास में ये संजय गुप्ता जी वाला था, मनोज जी वाला मंगवा लिया, तो सर्वनायक, सर्वनायक विस्तार, क्षतिपूर्ति जो भी है, मैं अब अपना लगभग कंप्लीट कर रहा हूँ कलेक्शन। बहुत ही शानदार चीज़ भिजवाई है जो है, ये भी 120 रुपये का है, समझ में आ गया ना, मैंने इसको इस लिया, पंचम खंड था सर्व मंत्र, तो वो 110 रुपये का पूरा लेमिनेटेड ग्लोस, लेमिनेटेड ये भी और ग्लोस लेमिनेटेड ये भी। उसके बाद में जो छठवा था सिस्टम खंड सर्व संधि, और उसमें जो है आपको ग्लोस हट गया मैट फिनिश में, लेकिन आपको 120 रुपये का हो गया है, ठीक है, अगेन जैकेट कवर। और उसके बाद जो आता है सर, ये सच में स्पेशल कलेक्टर एडिशन कहना है, इस पर लिखा था ना स्पेशल कलेक्टर एडिशन, तो हाँ ये काफ़ी स्पेशल है। तो ये 15-16 की बात, और बालचरित सीरीज भी 15-16 में आई थी, और आई थिंक क्षतिपूर्ति की भी, वो दोनों संग्रह संस्करण 15-16 में आए थे, तो बहुत अच्छी बात है। तो कई बार रिबूट हुआ रहा है कॉमिक्स का, जैसे लोग बोलते हैं 1980s में अच्छा परफॉर्म करता था, मेरे को 2007 भी एक तरीके से रिबूट लगता जब नारायण आई थी, काफ़ी कुछ चेंज हुआ था राज कॉमिक्स में। और ये 15-16 वाला टाइम है ना, जब बालचरित सीरीज आई थी, वो भी एक अलग ही माना जाता था, ड्रैगन किंग आई थी, बालचरित आई थी, महामानव की गवाही नया ऐड हो गया था, नए नए और शायद नारायण वगैरह सारे संग्रह उस समय के निकले हैं शायद, ये 15 हाँ विंडोज 10 आया था, तो मुझे याद है जो षड्यंत्र का आर्ट शेयर किया था अनुपम जी ने, ठीक है, तो 15 के आसपास टाइम था जब जो आज जो हम सारे संग्रह संस्करण ले रहे हैं वो उस समय के बने हुए हैं 15-16 के आसपास के। तो जोसफ भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, मतलब धन्यवाद भी खैर काफ़ी नहीं होगा, तो मैं उनकी बनाऊँ क्या मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मेरे पास कोई भी रेयर कुछ भी नहीं, मेरे पास सिर्फ 2021 के संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी की रिप्रिंट है। इसके अलावा तो मेरे पास में ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद ने किसी और से ली हैं, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको मैं ऐसा मान सकता हूँ कि भाई ये हों, या फिर ओरिजिनल के नाम पे तो मेरे पास कुछ भी नहीं, ये होंगी, ये एक जो मैंने कुछ डील्स में मंगाई थी, दर्शन तो यमराज है, या फिर ये क्या बोल सकते हैं, तो पहले की ये भी राहुल जी ने दी है मेरे को, ये एक है अभी, इसको क्या मान सकते हैं, ये किस में आता है, ये कोई है अगर उनको इंटरेस्ट वगैरह तो मुझे, मैं उनसे शेयर कर दूँगा। ये सब मेरे पास हैं जिनको ओरिजिनल बोलते हैं, ओरिजिनल के नाम पे, बाकी ऐसे तो रिप्रिंट तो मेरे सारे हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है, क्या मैं बना सकता हूँ उनके लिए कोई एक पार्सल वगैरह उनके तैयार करना पड़ेगा। तो खैर सारी डिटेल आपसे शेयर कर दी जाएगी, अंत तक बनाने के सभी को धन्यवाद, आशा है कि आपको ये वाली अनबॉक्सिंग काफ़ी पसंद, मुझे लगता है काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में।